वाव पार्टी हाँ क्या वाव अभिमन्यु अरे तो क्या हुआ मैंने कहा था ना तुमसे विंग्स अनलिमिटेड के साथ तुम्हारी ये डील तुम्हारे करियर के लिए बहुत ही सक्सेसफुल होगी देखो एक हफ्ता नहीं हुआ तुम्हें ज्वाइन करके कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट असाइनमेंट पार्टीज हाँ और पार्टीज के साथ जुड़ी टेंशन उसका क्या आप जानते हैं ना कि मैं कभी ऐसी हाई क्लास पार्टीज में नहीं गई कम ऑन गौरी तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की हो तुम्हें ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं तुम बिल्कुल टेंशन मत लो मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हारी सारी टेंशन भगा दूंगा ओके झूठ कहे तो कहो तुलिका ये कौन सा रंग है भाभी ये कोरल ग्रीन है बहुत सुंदर लग रहा है कोरल अच्छा वो टूथब्रश वाला उनका आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो हाँ तुलिका अरे हम कैसे जानेंगे हम तो हमेशा से लाल रंग ही लगाते हैं ना झूठ कहे तो कहो हमें भी ना अब ऐसे ना काले नीले हरे रंग लेने होंगे आखिर हमारी ननद इतनी बड़ी स्टार हो गई है इसके साथ हम अंदर बाहर जाएंगे तो हमें भी तो सुंदर लगना होगा ना गौरी आजा तुझे भी नहीं ये सुंदर सुंदर रंग लगा देते हैं नहीं नहीं भाभी मुझे ऐसे रंगों से डर लगता है अब मेरे नेल्स ऐसे ही अच्छे और वैसे भी मुझे बाहर जाना है गौरी जब से तुम ये सुपरस्टार बन गई ना तब से तुम 24 घंटे में से 25 घंटे घर पे ही नहीं रहती गौरी मेरे हाथ में ना ये नीपा पोती हुई है तू जाके दरवाजा खोल देना जाती हूँ अबे दूर हटना यार नहा है ने सिर्फ परफ्यूम लगाया हाय गौरी हाय अच्छा शिव कुछ पता चला उस इवेंट के बारे में हाँ वो अपने एजेंट से बात हुई थी उन्होंने कहा कि एक 5-course meal है जिसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आएंगी एक राउंड टेबल पे बैठ के साथ में खाना खाएंगे सारे के सारे और बातें करेंगे शिव हम भी खाना खाने जाएंगे बस बता दो कितने बजे जाना है भाभी हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे डिनर के लिए हम लोग इनवाइटेड हैं एक चैरिटी दान पुण्य वाले डिनर पे और भाभी वहाँ पे फिल्म और इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आएंगे और वो भी और क्या बोलो ना एंड यू नो ना यार सब लोग कैसे दिखावा करते हैं टाइप्स की मैं छोटी चम्मच से आइसक्रीम खाऊंगी या बड़े फोक से सैलेड खाऊंगी या चॉपस्टिक से नूडल्स हाँ 5-star में जाओ तो तुम्हारी प्लेट्स के आगे 7-8 चम्मच तो ऐसे ही लगा देते हाँ पर अब किस्सा ये है कि हमें भी उन लोगों की तरह दिखावा हाँ लेकिन मुझे मैं मुझे लग रहा है कि मुझे जाना ही नहीं चाहिए अरे तू पागल है क्या गौरी हम लोग स्पेशली इनवाइटेड हैं यार और आज नहीं तो कल तुझे इन सब लोगों के बीच बैठना ही पड़ेगा ना जाना ही पड़ेगा हाँ अब तुलिका आज ना हम शॉपिंग पर चलेंगे अरे जब बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है तो हमारे पास भी अच्छे कपड़े होने चाहिए ना लेकिन भाभी आज तो मैं नहीं मैं नहीं जा सकती मुझे ना डॉक्टर के पास मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर क्या हुआ तुझे तुझे बुखार हुआ सर्दी हुई क्या हो गया मेरी बच्ची नहीं भाभी मैं ठीक हूँ हमारी प्रॉब्लम पे वापस आते हैं प्लीज यार गौरी तुझे चलना ही होगा हाँ गौरी शिव सही तो कह रहा है अगर तू ना बड़े लोगों के साथ उठेगी बैठेगी नहीं तो तुझे काम कैसे मिलेगा और तुझे काम नहीं मिलेंगे तो पैसे कैसे मिलेंगे और पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर मुंबई में मेरे घर बनाने का सपना आपका सपना नहीं गौरी हमारे कहने का मतलब था कि हम दोनों का घर हम लोग एक ही परिवार से तो हैं और परिवार एक दूसरे की भलाई ही तो चाहता है हाय हेलो अभिमन्यु तुम यहाँ हाँ वो क्या ना गौरी किसी इवेंट को लेकर टेंशन में थी तो मैं आ गया उसकी हेल्प करने थैंक यू सो मच अभिमन्यु कि आप यहाँ आए हम सब ना बहुत ज्यादा परेशान थे टेंशन क्यों लेती हो गौरी मैं हूँ ना बहुत जल्दी सीख जाओगी तुम हाँ जब टेंशन ही साथ है तो और टेंशन की क्या जरूरत है एक्चुअली क्या है ना शिव जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही टेंशन टेंशन को काटती है इसीलिए थोड़ी सी और टेंशन क्या बातें कर रहे हो चलिए ना अंदर प्रैक्टिस शुरू करें हाँ चलते हैं ना मैं चॉपस्टिक्स भी लाया हूँ नहीं यहाँ नहीं
यहाँ नहीं हो पाएगा. एक्चुअली वो खाने पीने की चीजें यहाँ पर नहीं होगी ना. झूठ कहें तो कहो अभी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो. अरे हमारे घर में तो खाने पीने का ना सब सामान है. भाभी छुरी काटे से आपके हाथ की पराठे नहीं खाए जा सकते, उसके लिए कॉन्टिनेंटल फूड होना चाहिए. कॉन्टिनेंटल क्या? ओफो तुलिका तुम भी ना. भाभी तुलिका का मतलब है नूडल्स, पास्ता, ऐसी चीजें. पास्ता. हाँ तो ठीक है ना, कैफे चलते वहाँ सब आ जाएगा. राइट चले. लेट्स गो. चल बाय भाभी. बाय भाभी. बाय. अरे हमें तो कोई लेके ही नहीं गया और बाय भी कह दिया. हमने तो तुलिका से, उससे ना हम बात करेंगे. अरे इतना सुंदर रंग लगा के भी नहीं लेके गई. हाँ तो इससे पहले कि खाना आ जाए और फिर से ठंडा हो जाए, हम गौरी को खाना सिखाते हैं. शिव मुझे खाना खाना आता है, बस इस कांटे ये इस छुरी से खाना खाना नहीं आता. हाँ मेरी माँ, तुझे सब कुछ आता है, बस हम लोग बेवकूफ हैं. क्यों? हम नहीं, सिर्फ तुम बेवकूफ हो. देखो अगर पिज्जा आ गया ना तो तब तक कोई नहीं खाएगा जब तक गौरी सीख नहीं जाती. तो तुम लोग डिसाइड कर लो किस किसको ठंडा खाना है. अब प्रैक्टिस करें. हाँ, ओके. अब एक चीज भूल गए. अब क्या हुआ? वो नैपकिन. तुझे यहाँ पे कहीं पे भी नैपकिन दिखाई दे रहा है? नहीं ना. तो ठीक है ना, तुम अपनी पॉकेट से निकाल के अपना हैंडकरचीफ दे दो ना उसे. ओके फाइन. गौरी ये लो, इसे अपने पैरों पे रख लो. और हाँ गौरी एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि शिव ना हर दो मिनट में इसे अपनी नाक पोंछता है. जो प्रैक्टिस करनी है ना. हाँ तो रख ले. और बाय द वे वो नाक पहुंचने वाला नहीं है ये रुमाल, ये दूसरा रुमाल, इससे मैं सिर्फ अपना फेस पहुंचता हूँ, समझा? ओके ठीक है. सॉरी थोड़ा सा अर्जेंट फोन कॉल था. इट्स ओके, अभी मैं नहीं हूँ काम पहले. हाँ तो गुरुजी अपने ज्ञान से अब हम सबको धन्य कीजिए. वेल अब कमान तुमने अपने हाथ में ले ही लिए तो तुम ही सिखाओ. क्या फर्क पड़ता है कौन सिखा रहा है, सीखने से मतलब है? नहीं नहीं अभी फर्क पड़ता है. गौरी को सही चीजें सीखनी चाहिए और वो ही सिखाए जिसको आती है. एक्चुअली मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, उनकी एजुकेशन लंदन से हुई थी. उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब वो छोटे छोटे बच्चों को देखते थे छुरी और कांटे से खाते हुए. तो उन्होंने मुझे सिखाया. वो हमेशा कहते थे मैन शुड ऑलवेज बी स्ट्रांग बट एक्ट जेंटल लाइक ए जेंटलमैन. हाँ हाँ अभिमन्यु हम सब तो अपने आप ही सीखे हैं, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ी. तुमने ट्रेनिंग ली है तो तुम ही सिखा दो. ओके लेट्स स्टार्ट. वैसे खाना कहाँ है, कैसे सिखाएं? नहीं वो मैंने सोचा खाना खाने से पहले ही प्रैक्टिस कर लेते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा. शिव तुम किसी क्रिकेटर को बिना बैट के क्रिकेट सिखा सकते हो? नहीं ना, तो बिना खाने के खाना खाना कैसे सिखाएं? अभी मानियो जब तक खाना नहीं आ जाता बैठ जाइए. नहीं नहीं बैठना कुछ नहीं, एक सेकंड तुम खड़ी हो जाओ. क्यों क्या हुआ? अरे आओ तो. टेबल मैनर्स का एक और पार्ट है जो तुम्हें पता होना चाहिए. किसी के साथ कहीं जाओ तो ये देखो कि तुम्हारा होस्ट तुम्हारे लिए चेयर खींचता है या नहीं, और वेट करो कि वो तुम्हारे लिए चेयर खींचे. और अगर वो चेयर ना खींचे तो? तो अपना हाथ जगन्नाथ, चेयर खींचने में कितनी ताकत लगती है, खुद नहीं खींच सकती. तुम ना यहाँ आराम से बैठो और वेट करो कि तुम्हारे लिए चेयर. हर चीज में नेता ही बनना है इसको, हर चीज में फर्स्ट आना है. By the way, जब तक लेडी ठीक से बैठ ना जाए तब तक लड़का खड़ा रहे. सीखो कुछ, चेयर खींचना तो दूर की बात, तुम लोग तो जगह तक नहीं देते हो बैठने के लिए. ये मेरी जान, खुद पे है तो मजा आया.